सो गाइज़ कैसे आप सब, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस चैनल। गाइज़ आज देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी करंट अफेयर्स की। जैसे कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है और उसके लिए जो है करंट अफेयर्स काफ़ी चाहिए होता है, और कोई भी एग्ज़ाम आता है उसके लिए भी देखिए बेनिफिशियल होगा ये। बट जो है टारगेटेड जो होगा ये दिल्ली पुलिस के लिए होगा। और देखिए गाइज़ मैं आपको सेम लास्ट वीडियोज़ की तरह पढ़ाऊंगा, यानी जैसे कुछ हिंदी के वर्ड्स थे, ट्रिकी वर्ड्स थे, मैंने उनका इंग्लिश मीनिंग भी बताया था, तो इसी वीडियो में भी हम उस तरीके से ही पढ़ेंगे। अब देखिए हम आज पढ़ेंगे कि अब कंप्लीट अगस्त का आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी फर्स्ट अगस्त से लेकर लास्ट तक हम पूरे अगस्त का हम करंट अफेयर्स इसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको डेट वाइज सिक्वेंसली नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे फर्स्ट अगस्त, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, इस तरीके से करके नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए ऐसा मैं याद नहीं रह पाता। मैं बीच बीच में से कुछ डेट वगैरह उठाता रहूँगा और थोड़ी सी कोकन ब्लू स्टोरीज के थ्रू मैं पढ़ाता रहूँगा। छोटी छोटी मैं ट्रिक वगैरह हम ट्राई करेंगे बनाने की, ताकि वो चीज़ें हमें याद रह जाएँ। ठीक है गाइज, चलिए चलते हैं। देखिए जैसे 15 अगस्त हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो 15 अगस्त से ठीक 10 दिन पहले से हम स्टार्ट करते हैं, सॉरी 5 दिन पहले से हम स्टार्ट करते हैं, यानी 10 अगस्त से हम 10 अगस्त से स्टार्ट करते हैं कि 10 अगस्त को क्या हुआ। 10 अगस्त को हमारे देश में दो काम होते हैं। देखिए पहला क्या हुआ, पहला काम ये हुआ कि किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है, यानी अपना शिक्षा बोर्ड वो खुद बनाएंगे, अपना खुद सिलेबस बनाएंगे और जो उन्हें पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे, सेंट्रल से नहीं बनेगा, मतलब अपना खुद का ये सिलेबस बनाने वाले हैं। तो गाइस कौन सी सरकार है वो है हमारी दिल्ली सरकार। सो दिल्ली सरकार जो है अपना नेक्स्ट ईयर से अपना खुद का सिलेबस बनाने वाली है, खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने वाली है। नेक्स्ट है गाइस हमारा 10 तारीख को दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम जो होता है विश्व जैविक ईंधन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जैविक ईंधन दिवस भी गाइस कब मनाया जाता है, वो भी हमारा 10 अगस्त को ही गाइस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैविक ईंधन को हम बोलते क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, हर एक वर्ड का मैं मीनिंग बताता चलूँगा जो भी थोड़ा ट्रिकी लगेगा मुझे। तो जैविक ईंधन को हम बोलते हैं गाइस बायोफ्यूल। बायोफ्यूल देखिए इसे बनाने के लिए हमारी सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है कंपनियों को कि इसे बनाइए, ताकि इस क्या होगा, देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें जो है डीजल पेट्रोल दूसरे देशों से इंपोर्ट कराना पड़ता है, लेकिन अगर बायोफ्यूल जो बनेगा वो हमारे देश में ही बनेगा। बिकॉज गाइस ये बनता है, जैसे अनाज हमारा बेकार हो गया या आलू वगैरह हमारे सड़ गए, या गन्ने से निकला हुआ जो रफ मटेरियल होता है, जो मतलब जैसे जूस निकालने के बाद जो बचता है सूखा हुआ गन्ना, तो उसका इन सब चीज़ों से, इस तरह की चीज़ों से बायोफ्यूल बनता है। तो गाइस आप सोच सकते हैं कि मतलब अगर ये बनेगा तो हमारी जो दूसरे देशों से इंपोर्ट कराते हैं तो कितना हमारा पैसा बचेगा हमारे देश का। तो ये बहुत ही अच्छा ये है योजना है इसे करने की। तो आप ध्यान रखिएगा 15 अगस्त से 5 दिन पहले क्या हुआ, 2 चीज़ें, एक तो दिल्ली सरकार ने अपना खुद का जो है शिक्षा बोर्ड बनाने की कोशिश की है, सॉरी घोषणा की है, और दूसरा जो है जैविक ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को ही। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए गाइस हमारा क्या है, अब देखिए 15 अगस्त से ठीक 4 दिन पहले 3 काम हुए हैं, यानी 11 अगस्त को। तो पहला काम क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है, गाइस ग्रेट निकोबार एक चैनल है वहाँ पर, अंडमान निकोबार में पड़ता है, कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या, पोर्ट बोलते हैं गाइस बंदरगाह। बंदरगाह क्या होते हैं, जहाँ पर दूसरे देशों से जहाज़ में माल भरकर, कुछ भी सामान वगैरह भरकर वहाँ पर छोड़ा जाता है दूसरे देश के लिए, वो पोर्ट होते हैं गाइज वहाँ के, यानी बंदरगाह होते हैं। तो कितने रुपये की, कितने लागत से ये बनाया जा रहा है, 10,000 करोड़। पहला काम तो ये हो गया गाइज। ठीक है, अब देखिए चलते हैं। अब देखिए आज के ही दिन एक काम और हो गया, और देखिए वो बहुत दुख भरा काम हुआ, नीचे वाला आप देख सकते हैं, प्रसिद्ध उर्दू कवि राहत इंदौरी का निधन आज के दिन ही हुआ, यानी 11 अगस्त को ही। वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 करोड़ की लागत से एक पोर्ट बनाने की के लिए योजना बनाई है, जो ग्रेट निकोबार में बनने जा रहा है। और यहाँ पर देखिए हमारे देश में उसी दिन हमारे जो है बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही जाने माने इंटरनेशनल लेवल के ये कवि थे, इन्होंने जो है काफ़ी जो है शायरी वगैरह की हैं और गायक वो हैं ये, सॉरी कविताएँ वगैरह पढ़ी हैं। तो इनका निधन भी देखिए 11 अगस्त के दिन हुआ। अब देखिए इन्हें जो है बहुत ही चाहते थे लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं, बहुत ज़्यादा चाहते थे। तो देखिए गाइस हुआ क्या, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, लेबनान के प्रधानमंत्री जो हैं, इन्होंने अपना इस्तीफ़ा देने की घोषणा कर दी।
यानी राहत इंदौरी की जो है मृत्यु से आहत होकर इन्होंने क्या कर दिया, जो लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं हसन दियाब, इन्होंने अपना इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 11 अगस्त को भले ही इंदौरी साहब की जो है मृत्यु हो गई, लेकिन 12 अगस्त को भी दो काम हुए। 12 अगस्त को पहला काम यह हुआ, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 तारीख को। देखिए युवा जो होते हैं वो ज़्यादा किसी की मौत पर या किसी चीज़ पर दुखी नहीं होते, क्योंकि एक ना एक दिन सभी को जाना ही है। सो देखिए 11 अगस्त को जैसे इंदौरी साहब की मृत्यु हुई, तो उससे अगले ही दिन इंटरनेशनल युवा दिवस मनाया, राइट। अब दूसरा काम और हुआ है, दो काम हुए गाइस 12 अगस्त को। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो देश है गाइस उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में जो है अगले राजदूत के रूप में जो हमारे ये हैं मनीष प्रभात जी हैं, तो इनको जो है नियुक्त किया गया, राइट गाइस। ये जो है 12 अगस्त तक की ये हमारी कहानी हो गई, 12 अगस्त तक का हमारा ये हो गया। अब देखिए युवाओं ने 12 अगस्त को अपना युवा दिवस मनाया, तो युवा जोशीले होते हैं, तो अगले ही दिन यानी 13 अगस्त को, 15 अगस्त से ठीक दो दिन पहले, क्योंकि 15 अगस्त भी मनानी है 15 तारीख को, तो उससे ठीक दो दिन पहले यानी 13 अगस्त को उन्होंने क्या किया, 12 अगस्त को तो अपना अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, और 13 अगस्त को क्या किया, विश्व अंगदान दिवस मनाया। विश्व अंगदान दिवस भी गाइस हमारा कब मनाया गया, तो गाइस ये मनाया गया 13 तारीख, क्योंकि युवा अपने अंगदान करने से भी नहीं डरते। यानी 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया, उससे अगले ही दिन अंगदान वाला दिवस मनाया यानी 13 अगस्त को। अब देखिए 15 अगस्त से बस एक दिन, 13 अगस्त को देखिए दूसरा काम क्या हुआ है, तो 13 अगस्त को दूसरा काम भी हुआ है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया, किस मंत्रालय ने क्या है गाइस, ये क्या है, जल शक्ति मंत्रालय ने 13 अगस्त को ही जो हमारा अंगदान दिवस मनाया गया, और 13 अगस्त को ही भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ हुआ। और तीसरा काम देखिए क्या हुआ है गाइस, 13 अगस्त है तो 13 अगस्त को तीन काम हुए हैं। वह देश जिसने सबसे पहले कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है, तो स्पुतनिक की ये जो नाम है उसका वैक्सीन का, वी वैक्सीन जो बनाई है वो बनाई है गाइस रूस ने, तो उसने जो है मंजूरी दे दी है इसे, ठीक है। तो देखिए 13 अगस्त को दो काम हुए हैं। अब चलते हैं गाइस 14 अगस्त यानी 15 अगस्त से एक दिन पहले। अब 14 अगस्त को देखिए दो काम हुए हैं, 14 अगस्त को देखते हैं गाइस हमने क्या क्या काम हुए हैं। हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उदागर हुआ है, यानी हुआ को किस देश में, इंडोनेशिया में, यानी जो ज्वालामुखी है ये जो है दोबारा एक्टिव हो चुका है, वो कौन से देश का है, वो है गाइस इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का जो ज्वालामुखी है दोबारा एक्टिव हो चुका है, उसने कुछ हलचल हुई होगी तो उस चीज़ को ये जो है यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। क्योंकि देखो 15 अगस्त आने वाली है, 15 अगस्त से एक दिन पहले जो हुआ है ये, हो सकता है विस्फोट हो जाए 15 अगस्त तक। अब देखिए दूसरा काम क्या हुआ है इसमें, दूसरा काम ये हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया, तो वो है गाइस प्रशांत भूषण। कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह हो गया होगा, इन्होंने कुछ गलती कर दी होगी कि इतनी बड़ी सजा इन्हें मिली है, ठीक है। अब देखिए आ जाती है 15 अगस्त की बात। अब 15 अगस्त में देखिए, 15 अगस्त को देखिए, एक तो हमारी 15 अगस्त मननी है स्वतंत्रता दिवस, वो मनाया जाता है। अब दूसरी चीज़ देखिए क्या है गाइस, आपने जो है धोनी का नाम ज़रूर सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि क्रिकेट वर्ल्ड के बहुत ही जाने माने प्लेयर हैं, और देखिए सबसे ज़्यादा हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा जिन्होंने जो ट्रॉफी वगैरह जीती हैं, काफ़ी ट्रॉफी वगैरह जीती हैं। तो गाइस 15 अगस्त के दिन ही महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, और देखिए इनके जो है काफ़ी अच्छे फ्रेंड है सुरेश रैना, उन्होंने भी इन्हीं के साथ लिया है। यानी अगर ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया के दो खिलाड़ियों ने किस किस ने संन्यास लिया है हाल ही में, तो वो है हमारे MS धोनी और सुरेश रैना। अब दूसरा काम देखिए 15 अगस्त को क्या हुआ, वह देश जिसने
उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया, वो है गाइज हमारा इजराइल। इजराइल तो करता ही रहता है। अब आगे चलते हैं, 15 अगस्त के बाद चलते हैं। 15 अगस्त के बाद देखिए 16 तारीख को कुछ भी नहीं हुआ, 16 तारीख को कुछ भी नहीं हुआ, तो हम अपना चलते हैं गाइज अपना 17 तारीख पर। अब 17 अगस्त को देखिए क्या क्या हुआ। किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाई गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो वो हैं गाइज हमारे हरभजन सिंह, जो कि स्पिनर बॉलर हैं पूर्व हमारी टीम के, तो इन्हें जो है हरभजन सिंह को ई बाई गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट है गाइज 17 तारीख को दूसरा काम क्या हुआ, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवगत यानी जो अब नहीं रहे दिवगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है, तो वो है गाइज सुशांत सिंह राजपूत, जिनका आप आजकल मतलब यह है कि न्यूज़ में सुनते रहते हैं 24 घंटे, इसके अलावा कोई न्यूज़ भी नहीं आती है, रिया और सुशांत का ही मतलब मामला चलता रहता है, तो वो हैं गाइज सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट है फिर 18 तारीख को देखिए गाइज क्या क्या हुआ। 18 तारीख को जो है मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का निधन हुआ, 18 तारीख को जो निधन हुआ है वो हुआ है गाइज निशिकांत कामत का जो है निधन हुआ है। और देखिए ये मूवीज़ बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा माइंड लगा कर बनाई गई हैं, काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं। नेक्स्ट है 18 तारीख को एक काम और हुआ है, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। मेघालय देखिए वो राज्य है हमारे देश का जो कि पूर्व में पड़ता है, और इसमें जो है गारो खासी नाम का एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यानी वो जो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो मेघालय है, मेघालय के गारो खासी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो देखिए इसके राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, वो है हमारे सत्यपाल मलिक। अब आ जाते हैं गाइज अपना 1 अगस्त पर, यानी 1 अगस्त। 1 अगस्त को देखिए गाइज हमारे 5 काम हुए हैं, ये 5 काम कौन कौन से हैं। 1 अगस्त को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है, वो कौन सा राज्य है गाइज जिसकी 3 राजधानियां हैं। पहले देखिए कौन सा था, पहले जम्मू कश्मीर था जिसकी 2-2 राजधानियां थी, लेकिन अब जो है गाइज अब एक बना है 3 राजधानी वाला, वो है हमारा आंध्र प्रदेश, इसकी बनी विशाखापट्टनम अमरावली कुरनूल। दूसरा काम क्या हुआ 1 अगस्त को किस पूर्व सपा नेता और राज्यसभा सांसद का निधन हुआ, ये राज्यसभा सांसद भी थे और पूर्व नेता थे सपा पार्टी से, इनका नाम है अमर सिंह, तो इनका जो है 1 अगस्त को इनका भी निधन हो गया। उसी दिन देखिए इनका निधन हुआ है, और उसी दिन 3 जो आंध्र प्रदेश है इसकी जो है राजधानी 3-3 राजधानी वाला एक प्रदेश बना है। और उससे अगला है नेक्स्ट गाइस 1 तारीख को तीसरा काम क्या हुआ, स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो ये किया गया है गाइस जनजातीय कार्यालय मंत्रालय जो होता है। अब देखिए चौथा काम क्या हुआ 1 अगस्त को ही, ताइवान के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ, ली तेंग हुई का देखिए इनका भी निधन हुआ है 1 ही तारीख को। अब 1 तारीख को पांचवा और लास्ट काम क्या हुआ है, 1 से 7 अगस्त के बीच जो है विश्व स्तनपान सप्ताह ये मनाया गया, 1 से 7 अगस्त तक ये मनाया गया, तो किस विषय के साथ मनाया गया, इसकी जो है थीम वगैरह क्या थी, किस थीम के साथ ये मनाया गया, क्या टैगलाइन थी, तो वो है गाइस सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर। अब देखिए विश्व स्तनपान सप्ताह ये जो मनाया जाता है ये गाइस इसमें जो है थोड़ी सी ये है कि इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि जो माँ का दूध होता है सबसे हेल्दियर होता है, तो ये इसकी टैगलाइन भी जो दी है ये भी यही है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर, यानी हेल्दी बनने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग सबसे बेस्ट चीज़ है, कि मतलब माँ का दूध ही सबसे बेस्ट होता है। तो गाइस ये 5 काम हुए हैं हमारे जो 1 अगस्त को हुए हैं। अब चलते हैं गाइस 2 अगस्त पर, 2 अगस्त को जो हैं 4 काम हुए हैं, ये 4 काम कौन कौन से हैं। पहला है कमल रानी वरुण का निधन हुआ, और वो थी क्या, वो उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री भी थी, ठीक है। नाम क्या था इनका, कमल रानी वरुण, इनका निधन हुआ है 2 अगस्त को, ठीक है। अगस्त शुरू होते ही पहला दिन तो कट गया लेकिन दूसरे दिन इनका निधन हो गया।
फिर 2 अगस्त आता है, फिर 2 अगस्त में दूसरा काम क्या है, किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, ये है गाइस हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। जैसे आपने देखा होगा महिंद्रा के ट्रक देश के कोने कोने में जाते हैं, और किसी बैंक के ट्रक तो जाते नहीं हैं, मतलब इनका ट्रक भी है और उनका बैंक भी है। तो जैसे महिंद्रा के ट्रक हर कोने में जाते हैं देश के, इसी तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया, ऐसे थोड़ा सा याद रह सकता है आपके कि जैसे कोटक महिंद्रा के ट्रक जाते रहते हैं कोने कोने में देश के, कोना कोना उम्मीद अभियान इन्होंने शुरू किया। नेक्स्ट गाइस तीसरा काम क्या हुआ है, तीसरा काम हुआ है गाइस उत्तर रेलवे ने दिल्ली से भारत के किस राज्य में पहली व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई, तो वो है गाइस त्रिपुरा। अब देखिए त्रिपुरा देखिए लास्ट में है बिल्कुल, अगर छोटा सा मैं नक्शा बनाता हूँ यहाँ पर, अगर आपको शायद समझ में थोड़ा सा आ जाए, सो गाइस यहाँ पर है दिल्ली, ये है दिल्ली, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ये नीचे जो लटका हुआ है थोड़ा सा, ये है त्रिपुरा। तो यहाँ से गाइस एक ट्रेन, ये जो है यहाँ पर ये ट्रेन चलाई है यहाँ से यहाँ तक, दिल्ली से त्रिपुरा तक। यहाँ पर नीचे बांग्लादेश है नीचे वाला, तो इसके ऊपर वाला त्रिपुरा है, जो नीचे को थोड़ा सा लटका हुआ जो क्षेत्र है तो वो त्रिपुरा है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए गाइस ये हमारी क्या है, एक ट्रेन चलाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस जो लास्ट काम हुआ है वो हुआ है केंद्रीय संचार MIT, संचार किसे बोलते हैं कम्युनिकेशन, IT किसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो केंद्रीय संचार एवं IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा, मैं रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूर संचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया, तो वह है गाइस ओखला महाराष्ट्र की, ठीक है। नेट चलते हैं, अब देखिए 3 अगस्त की बात कर लेते हैं, 3 अगस्त को हुए हैं 5 काम, अब देखते हैं कौन कौन से काम है वो। सो पहला क्या है, किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू किया, तो वो गाइस है हमारा मध्य प्रदेश सरकार ने। जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर है वर्ल्ड जो हमारे देश में सबसे साफ कंट्री में सबसे साफ सिटी में आता है, सबसे स्वच्छ सिटी में वो आता है। सो देखिए अच्छी पहल है वहाँ की कि एक मास्क अनेक जिंदगी, तो ये अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से नीचे वाला ही राज्य है। नेक्स्ट क्या हुआ है, 3 अगस्त को 5 काम हुए हैं जैसे मैंने बताया, तो दूसरा काम उसमें हुआ है Formula 1 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता, तो वो है गाइस लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने मैक्स वर्स्टैपेन को हराकर ये खिताब जो है अपने नाम किया है। फिर तीसरा काम क्या हुआ है 3 अगस्त को, रक्षाबंधन के दिन कौन सा दिवस मनाया गया, आप पहली बार देखिए हमारे देश में जो है विश्व संस्कृत दिवस रक्षाबंधन को मनाया गया, यानी जो रक्षाबंधन 3 अगस्त की रक्षाबंधन थी इस बार, तो उसी दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट काम क्या हुआ था गाइस, चौथा काम क्या हुआ, 3 काम ये हो गए 3 अगस्त के, किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु संजीवनी ऐप लॉन्च की है, यह है बिहार सरकार। गाइस पता आपको हनुमान जी जो है एक संजीवनी बूटी वाला पहाड़ उठाकर लाए थे, वो बिहार से ही लाए थे, ठीक है, तो संजीवनी ऐप इसीलिए वहाँ से लॉन्च कर दी, आप ऐसे याद रख सकते हैं बस कि संजीवनी पहाड़ कहाँ से लाए थे, बिहार से उठाकर लाए थे, तो बिहार सरकार ने ही संजीवनी ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर साइबर क्राइम के खिलाफ ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया, तो वो है गाइस हमारी आंध्र प्रदेश सरकार। अब 4 अगस्त पर चलते हैं, 4 अगस्त है तो चार ही काम हुए हैं 4 अगस्त को गाइस, हुए हैं हमारे चार काम कौन कौन से हैं वो, राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 1% बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है, 1% बढ़ाकर वो कर दिया गाइस 5%, पहले जो था इनका 4% था, अब इसे 5% कर दिया गया है, जो कि पिछड़ा वर्ग है अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए। नेक्स्ट दूसरा काम जो हुआ है, 4 अगस्त को की गई घोषणा के अनुसार हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं, तो वो की हैं गाइस 50%, यानी 50% पर लेडीज़ लड़ सकती हैं चुनाव, जो ये चुनाव जो पंचायत के चुनाव होते हैं, और 50 पर जेंट्स लड़ सकते हैं। तीसरा काम क्या है गाइस 4 अगस्त को केंद्र सरकार ने चीन से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन बढ़ावा देने का निर्णय लिया है,
तो गैस ये है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए भले चीन से लड़ाई होने वाली हो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि पर्यटन बढ़ाओ, ठीक है, चाहे उत्तरकाशी जाओ, नीलकंठ जाओ, हरिद्वार जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, तो वो उत्तराखंड में बढ़ाने के लिए कहा है। चीन से लगा हुआ अभी है ये उत्तराखंड। नेक्स्ट गाइस जो चौथा काम हुआ है, 4 अगस्त को भारत सरकार ने कोविड-19 प्रकोप के कारण इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL होता है उसके 13वें बार हो चुका है, वो ये 13th time था, ये 13वें संस्करण को कहाँ किस देश में आयोजित कराने की अनुमति दी है, तो वो है गाइस हमारा संयुक्त अरब अमीरात, UAE बोल लेते हैं जिसे। फिर गाइस आ गए हमारा है 5 अगस्त है, जैसे 5 अगस्त में भी गाइस देखे 4 काम हुए हैं। 5 अगस्त को जर्मनी के बेनेडिक्ट होवेडेस ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, गाइस ये फुटबॉल के प्लेयर थे तो ऑब्वियसली फुटबॉल से ही इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 5 अगस्त को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा, तो वो है गाइस हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो है उत्तरकाशी जिले में। ये जो बायोस्पेस आपने सुना होगा, बायोस्पेयर क्षेत्र होते हैं, बायोस्पेयर एरिया होते हैं, ये होते क्या हैं, ये देखिए एक जगह छोड़ दी जाती है, जैसे सपोज इस क्षेत्र में तेंदुए ज़्यादा हैं तो इस क्षेत्र में कोई भी मतलब लोग नहीं जाएंगे, ना इन वनों की कटाई होगी, ना उसमें जो इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई जाएंगी, ना ही कोई काम होगा। सो गाइस ये होते हैं बायोस्पेयर एरिया जो होते हैं, तो उसी तरीके से ये है हिम तेंदुआ संरक्षण। आगे देखिए आगे क्या है गाइस, 5 अगस्त को अरब क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बना, कौन सा बना है, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE पहला देश बना है जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। नेक्स्ट है चौथा काम क्या हुआ था 5 अगस्त को, 5 अगस्त को HDFC बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया, तो वो है गाइस हमारे शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया। अब आगे देखें 6 अगस्त को देखिए क्या क्या हुआ है, तो 6 अगस्त हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किसे बनाया गया है, तो वो है गाइस सिन्हा, ये और कोई सरनेम नहीं है, ओनली सिन्हा, सिन्हा जी को उपराज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट है राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो है गाइस मणिपुर बिल्कुल लास्ट में पड़ जाता है, हमारे पूर्व की तरफ जब हम जाते हैं तो जो राज्य पड़ते हैं लास्ट में बिल्कुल, जो म्यांमार से लगे हुए हैं, तो वो वाला राज्य हमारा मणिपुर। नेक्स्ट क्या हुआ है, किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र यानी PPP योजना शुरू की है, वो राज्य हमारा हरियाणा। नेक्स्ट है पहली किसान रेल किन दो शहरों के बीच चलेगी, तो पहली किसान रेल जो चलेगी गाइज वो चलेगी देवलाली से दानापुर, देवलाली कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है गाइज हमारा महाराष्ट्र में, और दानापुर कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है हमारा बिहार में, ठीक है। आगे चलते हैं 7, 8 और 9 अगस्त, इनमें देखिए गाइज एक एक ही काम हुआ है, अब देखते हैं 7, 8, 9 अगस्त में एक एक काम क्या हुआ है वो। तो पहला है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है, वो योजना है गाइस पायलट योजना। नेक्स्ट है दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं समाज से सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वो है सादिया दहलवी। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा यानी UPSC जिसे बोलते हैं, जो सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम कराता है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, तो वो है गाइस हमारे प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी को जो है संघ लोक सेवा का अध्यक्ष चुना गया है। सो गाइस अगर देखें आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कॉमेंट कीजिएगा, अगर आप देखते हैं तो, अगर देखिए अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है गाइस, थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।